अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर पर लगेगी 18% GST। कोरोना वायरस महामारी के दौरान अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर को जहां केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की सूची में रख रखा है, वहीं दूसरी तरफ GST में इसको ऐसी वस्तुओं की सूची में रखा है जिन पर 18% टैक्स लगता है। ऐसे में अब लोगों को इस जरूरी वस्तु पर भी ज्यादा टैक्स देना होगा। बता दें कि GST पर बनी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी AAR की गोवा पीठ ने ये आदेश जारी किया है। जून में 6.9% पर रही खुदरा महंगाई की दर 9 माह के निचले स्तर पर खाद्य महंगाई दर। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इजाफा की वजह से जून में रिटेल इन्फ्लेशन 6.09% पर रही। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों में ऐसा कहा गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI के आंकड़ों के मुताबिक जून में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 7.87% पर रही। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि इन्फ्लेशन से जुड़े आंकड़ों, कोरोना वायरस महामारी की वजह से लागू पाबंदियों के कारण सीमित बाजारों से एकत्र डेटा के आधार पर तैयार किए गए हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में खाद्य महंगाई दर घटकर 9 माह के निचले स्तर पर आ गई है। बता दें कि इससे पहले मई में खाद्य मुद्रास्फीति 9.2% पर थी। जून में थोक महंगाई घटी लेकिन खाने पीने की कीमतों में आया उछाल। कोरोना संकट के बीच राहत की बात है कि देश में थोक महंगाई घट गई है। होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति में सालाना आधार पर जून 2020 में 1.81% की कमी दर्ज की गई है। इस दौरान ईंधन और बिजली के दाम में कमी का रुख बना रहा। हालांकि इस दौरान खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं। इससे पिछले महीने मई 2020 में होलसेल इन्फ्लेशन 3.21% घटी थी। इस लिहाज से जून में थोक महंगाई में मामूली सुधार हुआ है। वहीं ईंधन और बिजली समूह के इंडेक्स यानी सूचकांक में 13.60% की जबरदस्त गिरावट रही। हालांकि मई में इस समूह के 19.83% की कमी आई थी। 69A सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत भारत सरकार ने जिन 59 ऐप्स को ब्लॉक किया था उन्हें सरकार ने सवालों की एक डिटेल लिस्ट दी है और टिकटॉक, हेलो और शाओमी जैसे कंपनियों से इन सभी सवालों का 3 सप्ताह के अंदर जवाब भी मांगा है। बता दें कि बैन किए गए 59 ऐप्स भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा थे, इसलिए इन्हें ब्लॉक किया गया था। सूत्रों के मुताबिक भारत की ओर से 77 सवाल पूछे गए हैं, तो आइए नजर डालते हैं मुख्य सवालों पर। भेजे गए क्वेश्चनार में एक क्वेश्चन ये है कि क्या पुलवामा में पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी समूह द्वारा पिछले साल किए गए हमले के बाद सामग्री को सेंसर कर दिया गया था। दूसरा सवाल है कि क्या पुलवामा हमले के बाद कंपनी हमले या उसके अपराधियों से संबंधित थी। वहीं टिकटॉक का कहना है कि वो मिनिस्ट्री के सवालों का जवाब देने के लिए काम कर रहा था और वो सभी भारतीय कानूनों का अनुपालन करता था। साथ ही ये भी कहा गया है कि यूजर का डेटा, उसकी सुरक्षा और गोपनीयता उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का